Wow. The antique meter. It's beautiful. Wow. Don't turn off the light, I'm coming home. Hey guys, welcome back to my channel. This is Anana here and you are watching Interior Maka. And today we are going to talk about where is my hidden wardrobe. आज पता करेंगे क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे क्या नैना वैसे वार्डरोब यू नीड अ वार्डरोब राइट आई डू हैव अ वार्डरोब गाइस कैसे सोच लिया कि मैं वार्डरोब ही नहीं बनाऊंगी एंड टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो पहले मैं बता देती हूँ मेरी मास्टर बेडरूम की रिक्वायरमेंट क्या है आई नीडेड अ बाथटब बीइंग अ स्कॉर्पियो एंड अ कैंसर लाइक डबल वाटर साइन आई ऑलवेज वांटेड अ बाथटब तो पहली चीज तो ये घर खरीदने के बाद मैंने लिया था दैट वॉज द बाथटब एंड वन ऑफ द रीजन आई गॉट दिस अपार्टमेंट वॉज जो यहाँ पे बिल्डर थे ही एग्रीड टू अलाउ मी क्रिएट अ बिगर साइज ऑफ बाथरूम क्योंकि बाथरूम्स जो यूजुअली बिल्डर्स देते हैं दैट आर वेरी स्मॉल सो आई डिसाइडेड टू ब्रेक टू बाथरूम्स ये तोड़ के मैंने सोचा कि बड़ा सा बाथरूम बना देती हूँ एंड आई डिड दैट दो बाथरूम तोड़ के हम लोगों ने एक किया है तो ये जगह थोड़ा सा तो हम लोग चिपिंग करेंगे राइट वो बाथटब का क्या है कि बाहर से प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और अंदर मशीन है तो वो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाता है 15 mm का एक प्लग पॉइंट और इसमें 5 square mm वायर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप बाथटब इंस्टॉल कर रहे हैं आप जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उनसे एक बार बात कर लीजिए स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग जैकुज़ी और सिमिलर बाथटब हमने जो बाथटब लिया है वो है कोलर ब्रांड की इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड हम लोगों ने खुद अपने पैसे लगाए हैं एंड वो बाथटब लिया है नाउ हमेशा ये हमें लगता है कि बाथटब्स नॉर्मल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू सारे बाथटब्स के लिए ये सेम नहीं होता है इफ़ इट इज़ फ्री स्टैंडिंग मतलब आपको डिस्प्ले पे जो दिख रहा है ऐसे बाथटब है और इलेक्ट्रिकल पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तब आपको छोड़ना भी नहीं होता है बट इन केस हमारे जैसे सिचुएशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की ज़रूरत है क्योंकि उसमें बबल्स आते हैं एंड बहुत सारी अलग अलग फीचर्स है इसके लिए हमें एक 15 ampere की इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ना पड़ेगा अभी जो आप वीडियो पे देख रहे थे वो टेक्नीशियन थे टेक्नीशियन कोलर ब्रांड से ही आया हुआ था उन्होंने यहाँ पे बाथटब फिक्स करने के लिए हमें बताया कि क्या करना चाहिए कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए एंड इट इज़ ऑलवेज अ बेटर वे एंड ऑनेस्टली इट वॉज नॉट ईजी गाइस बिकॉज ऑल द संक एरिया ऑल द प्लम्बिंग लाइन हैज़ टू बी चेंज इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बट अ प्रोसेस दैट इज वर्थ टेकिंग एंड अगर आप ऐसा कुछ चीज़ें करना चाहते हो मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर बिल्डर यू आर डूइंग वाटर प्रूफिंग वेरी वेल सो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ले आउट ऑफ दिस बाथरूम एज यू कैन सी द मोमेंट यू एंटर राइट हैंड साइड आई वॉन्टेड टू हैव माई वैनिटी जहाँ पे मैं डे टू डे रेडी होती हूँ दैट्स व्हाई आई डोंट हैव अ डेडिकेटेड ड्रेसिंग स्पेस क्योंकि मैं वैनिटी यूज करती हूँ सेकेंड द शावर एरिया नाउ शावर एरिया आई never wanted a like a fancy cubicle or something but then we decided with the sitting with the family ke cubicle honi chahiye so I decided to have a cubicle wc mandatory the bathtub oh my god the water the first thing I bought for this room is the bathtub definitely that is going to be there and a walk-in closet now this bathroom is going to be you know parted in two ways one is the wait area one is the dry area as you can see in the layout so left hand side mein jitni bhi area hai these are dry area including the bathtub because I hardly use it the vanity section and the wardrobe that is going to be used regular basis mein sare kapde wahan pe hai on the shower area and the wc area is going to be the wait area that is how I divided the entire layout and that is how you should follow next part obviously the tile selection so I always wanted to have like a grayish beigeish bathroom jab tile selection karne gayi I selected the tiles for walls and the tiles for flooring but jab flooring ki tiles aayi it was you know jo humne selection kiya tha usse thoda dull tha so mere liye no I went ahead with the yellowish one whereas I wanted a little darker in color now with the bathtub part this is going to be the most exciting thing in my bathroom I always knew always had this idea you know having a bathtub upar ek neon light and some coat on it I always dreamt about it guys and the first thing when the builder gave me permission to build you know a bigger bathroom main na ek aisa stupid person yes we took to take those decision rather main gayi aur maine bathtub finalize kar liya and it was a display piece actually the actual price was around I think
2.5 lakh rupees, लेकिन मुझे 85,000 में पड़ा था बिकॉज इट वॉज अ डिस्प्ले पीस. एंड आई विल लिंक एवरीथिंग जो मैंने बाथटब लिया है, आई विल लिंक एवरीथिंग. इट इज फ्रॉम कोलर, दे आर गिविंग वारंटी एंड एवरीथिंग इन द प्राइस ऑफ 85,000 रुपीज एंड दे वन ऑफ बिल्डिंग दिस होम. नेक्स्ट थिंग वॉज डेफिनेटली द वैनिटी. सो वैनिटी सेक्शन में आई जेन्युइनली वॉन्टेड समथिंग एंटीक, नोइंग दैट आई ऑलवेज लव इट. सो आई वेंट आउट फॉर लाइक एंटीक कलेक्शन डेज, जिसमें मैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए गई थी. एंड आई सॉ दिस वैनिटी, आई लव्ड इट. आई जस्ट लव द वैनिटी एंड डिसाइडेड टू टेक इट एंड कस्टमाइज्ड इट एज पर माई रिक्वायरमेंट. सो वैनिटी के जो सामने के पल्ले हैं, दीज आर फ्लूटेड पैनल जो मैंने ऑन साइड बनाया है. एंड ऊपर में यू कैन सी आई हैड जस्ट जैसलमेर बिकॉज इट वॉज मैचिंग my floor color. For the mirror, I definitely wanted something with backlight. मैंने बहुत सारे ऑप्शन देखे. I saw a video जहाँ पे वो म्यूजिक प्लेयर था and it was very fancy and it was very expensive. I couldn't afford it. मैंने एक रेगुलर मिरर ही लिया था. But hopefully in future I will have something antique in this place. Not right away. On the shower area, it is pretty simple. All the fittings are from Jaguar. So I wanted a vintage kind of feeling. And आपको पता है अगर आप कोई भी bathroom fittings नहीं रहे हो, so if it is in the द सिल्वर कलर दैट यू सी क्रोम कलर में होता है, द वेटिंग पीरियड इज जस्ट प्रॉब्ली 10 days. बट इफ यू आर टेकिंग इट इन अ डिफरेंट कलर लाइक एंटीक ब्रास और यू नो ब्लैक इवन, सो इट विल टेक यू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉब्ली 30 to 60 days. आई डिसाइडेड टू गो विथ क्रोम फिनिश एंड लिटिल एंटीक लुकिंग. On the WC area, my WC is from Kohler and the entire fittings is from Kohler. Bathroom cubicle के लिए मैंने simple glass लिया and this is a step down from the existing space. 1 inch is step down from the existing flooring and we have covered it with black granite all over. The king of the bathroom is going to be the wardrobe. I had very specific requirement for the wardrobe. So guys, I have lived in rented places throughout my life. Like 17 साल, I was 16 and a half जब मैं घर छोड़ के like I went for my education, higher education, and tab se aaj tak I have stayed in a rented apartment. It's been quite a long time, so for me having a dedicated wardrobe is going to be a big deal. So I have had a very specific requirement. So obviously the male and female section, and it is going to be an entire wall wardrobe. Matlab is pure wall ko main 3 parts mein divide kar rahi hu. First part is going to be the female section, middle section is the male section, and on the left hand side I have a common section jahan pe main bahut travel karti hu. So I needed a space inside the wardrobe jahan pe main apne bag ko store kar saku, and with that I have a section for CC's clothing also. This is the entire wardrobe division. For the wardrobe I had like internal requirement, mean I had the basic things. On the fitting, the sliding fittings are going to be both spread. Mujhe sliding wardrobe chahiye tha considering ki samne hi bathtub hai, there is a space problem that I am going to face. Only option I had in my mind was glasses. So jaise master bedroom ka tha, master bedroom mein we wanted anti glass, so mere piche aap anti glass de sakte ho. And this glass took me a good I think a month to find. Lucky जहाँ से हम लोग कांच लेते हैं, यू नो ग्लासेस एंड मिरर्स, वो ही इज द पर्सन हु मेड श्योर दैट आई गेट द एंटीक मिरर्स ऑन टाइम इन हैंड. एंड द बोथ फिटिंग्स जो हमने सिलेक्शन किया था, उसको हमने वी एक्चुअली वेंट टू देयर शॉप, वहाँ पर मार्किंग करवा के वी गेव देम द फिटिंग्स, वी गेव देम एवरीथिंग एंड वी क्रिएटेड द वॉर्ड्रॉप. दिस लग्जरी फीलिंग ग्लासेस पसंद है और आपको पता नहीं है कहाँ से रिसोर्स करना है. सो आई विल पुट हिज एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू लिव नियर बाई टू बड़ौदा. फिर मैंने ये वॉर्ड्रॉप की ग्लास लग रहा था, यू नो आई वॉज आउट, एवरीथिंग गॉट डिलीवर्ड एंड इट वॉज बींग इंस्टॉल्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी द वे इट वॉज लुकिंग. आई हैव सम फुटेज फ्रॉम दैट डे, यू हैव अ लुक. नाउ इट इज टाइम फॉर द मास्टर बेडरूम walk-in closet. For this we chose the antique, wow, the antique mirror. It's beautiful, wow. Again it was a dream to get this done. बहुत सारे research and development करने के बाद we went ahead with antique mirror. I always wanted to have mirror in the bathroom, but this is antique mirror, super rare to find. And obviously with the Bose fittings, यहाँ पे इस glass की certain measurements के साथ आता है, so we had to give the partition in the middle to get the glass installed. It was again a very tedious
tedious experience. But worth it. This glass is super expensive. But अगर आप similar wardrobe बनाना चाहते हो at your home, so it will cost you around 5,000 to 6,000 rupees per square feet. Starting from depending आप अंदर में क्या fittings लेते हो. This is again Bose जो fittings है, this is from Bose. And जो ये जो drawers है इसमें सारे Hafele की fittings लगी हुई है. And ऊपर जो fittings आएंगे वो भी Hafele की fittings हम लोगों ने selection किया है. So this vanity unit was a dream and now I can tell you like yeah it has come true. जब I think 2020 में I was in Goa and वहाँ पे मैंने ऐसे ही एक vanity देखा था and I was like it is in my bucket list और मैंने वो सोच के रखा था कि जब भी मैं घर बनाऊँगी I'll have the same vanity. So this antique unit I got it from Ahmedabad, it was an antique. और इसको लेके हम लोगों ने रिफर्बिश करके व्हाट आई हैव डन इज इसके ऊपर जो आप ये स्टोन देख रहे हो दिस इज़ जैसलमेर. क्योंकि हमारी जो थीम है सब बहुत नेचुरल एंड अर्दी मटेरियल से हमने यूज़ किया है. सो आई डिसाइडेड टू गो विद द जैसलमेर रदर देन एनीथिंग एल्स. उसके बाद ये अंडर द काउंटर मैंने एक सिंक लगाया है, बेसिन लगाया है एंड दिस इज़ फ्रॉम जैगुअर. दिस इज़ एन आर्टिस्ट की फिटिंग्स, आर्टिक्स बोल के एक सीरीज़ है उसकी फिटिंग्स है एंड दिस इज़ हाउ द एंटायर काउंटर इज़ लुकिंग. यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर आने वाला है. दिस इज़ द गाइस, इसके साथ पूरी बाथरूम रेडी हो गई थी. यू नो चेरी ऑन द टॉप, इट इज़ गोइंग टू बी द चेरी ऑन द टॉप. क्या है दैट इज़ द थिंग गाइस, मुझे एक नियॉन लाइट लगाना था एंड बीइंग अ हाउ आई मेट योर मदर फैन आई लव दिस सॉन्ग कॉल्ड लवी एंड रोजे. बहुत लोग आप लोग शायद ये गाने को जानते हो. इट इज़ अ वेरी ओल्ड सॉन्ग एंड इसकी मीनिंग है दुनिया को एक रोज कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देखना. प्रॉब्ली दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं होगी जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो. द मोमेंट यू पुट ऑन दोज ग्लासेस प्रॉब्ली योर वर्ल्ड विल बी एंड ब्यूटीफुल एज रोजेस. तो मुझे ये कोट बहुत पसंद था. सिंस आई वॉच्ड हाउ आई मेट योर मदर ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉन्टेड टू हैव दैट रिप्रेजेंटेड ऑन माई बाथरूम. आई हैव नो आइडिया हाउ बट आई रीच्ड आउट टू नियॉन अटैक एंड इट इज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन. I reached out to Neon Attack, they designed this light for me. I ordered it, I paid for it. This is how it looking. The lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. And though the world may seem so still, it's coming in. Distant chill with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whisper softly on the wind as memories come flowing in. The candles on the tree glow softly, lighting up the lilac snow. Then the quiet of the winter night was filled with wonder and pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we've known.
lilac snow whisper softly on the wind as memories come flowing in. And that's it, guys. This is how my entire bathroom turned out. I have my wardrobe, my beautiful bathtub, my vanity unit, WC and the shower area. I enjoy everything about this bathroom. If you are asking me ki main kya change karna chahti hu is bathroom, I'll definitely change the mirror because I feel like that is not my vibe. Other than that, this bathroom is so beautiful. It's relaxing. So that's it for today. If you want to reach out to me regarding your home design, just reach out to me in this number. This is my email ID in case you want to have Get Your Home Designs by Intriya Mata. There is my email ID. And last but not the least, here are our all needed social media account. जहाँ पे जाके आप मुझे reach out कर सकते हैं. Follow me dear please. That's it for today. मिलते हैं मेरे next video में. तब तक के लिए bye guys. I love you a lot.